आज मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बारिश हो गई आज, ये फाइनली बर्फ आज गिर रही होगी या गिरेगी अब। शिट, मेरे जूते गीले हो गए। नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट वेल। उत्तराखंड नहीं है मौसम में, लेकिन बारिश हो गई है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। या बारिश की खुशबू कितनी अच्छी होती है, कितना व्हाट टू से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौसम खुश मिजाज हो गया। गाड़ी में बाहर ही पार्क करता हूँ, हमारी सारी गाड़ियाँ बाहर ही पार्क होती हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपका रोड बन रही है, रोड बनाने इतना टाइम लगा दिया। मौसम कितना प्यारा हो गया, आई एम इन लविंग विद दिस मौसम, देख रहे कितना प्यारा प्यारा। अब बर्फ गिर जाएगी, We will go and see snowfall. ऐसा कुछ भी होता है तो I will keep you updated. हम बाल निशान शोरूम में आ रहे थे अपनी सर्विस करवानी थी मुझे। कंपनी का फ़ोन आया था कि आपकी सर्विस ड्यू है, जस्ट आप पहले आ जाइए। तो फिर साथ ही साथ सर्विस को दिखा रहा हूँ एंड अभी गाड़ी लगा रखी है। जल्दी आ गया था मैं मॉर्निंग में भी, 9 o'clock अराउंड में मैं आ चुका था। तो कंप्लीट होने के बाद अभी देखिए गाड़ी लगी हुई है, वो सर्विस कर रहे हैं। बेस का कुछ टूट रखा था क्या? ग्रिल टूटी हुई है। अच्छा, ये चेंज कर दिया या जोड़ दिया? ये तो खरखर 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 कर रहा है। अच्छा अच्छा, गाड़ी में 3-4 फॉल्ट आए थे। पहला फॉल्ट गाड़ी में आ रखा था कि आपका जो क्लच प्लेट क्लच है, क्लच साउंड कर रहा था पी पी करके थोड़ा सा, और ऊपर नेक्स्ट थिंग इसमें आया था कि आपका लेफ्ट साइड का ग्लव बॉक्स होता है वो साउंड कर रहा था, तो उसको तो हमने पकड़ लिया है करके क्या हो रहा था। एंड थर्ड थिंग, इसमें गाड़ी में ऊपर से जो आपका एंटीना होता है उसमें से पानी निकल रहा था। तो ये सब चीज़ें करने के बाद अभी देखो कितना बचा है। वैसे मैं सर्विस के लिए आया था, तो उन्होंने कहा कि निशान वालों ने कहा कि सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको बाद में भी करा सकते हो। अभी टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है, मतलब आपने उतना कंप्लीट नहीं किया हुआ है, लेकिन वैसे 1 साल कंप्लीट हो चुका है सर्विस को। तो थोड़ी जो मेंटेनेंस चीज़ें हैं वो ठीक करवा रहा हूँ। तो गाड़ी की हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी, भैया गाड़ी चेक कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है नीचे अंदर घिस रहा है टायर। तो भैया से कहा कि चेक करवा देना, यहाँ पर लिख रखा है कि इसको चेक करवा देना। के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, कोई वसूली वसूली नहीं करी जाती है और काफ़ी जेन्यून पर्सन होते हैं और काफ़ी जेन्यून काम होता है। तो मैं हमेशा कंपनी में ही लाता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, बाहर वाले आपको लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे जस्ट इनके लिए पूरा सब कुछ जो मैटर करता है वो फीडबैक होता है, करके क्लाइंट खुश है या नहीं है, इस कस्टमर इज़ हैप्पी और नॉट। सर काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड यहाँ के सीनियर भी, वो हर मैकेनिकल चीज़ों को देखते हैं, जज करते हैं और गाइड करते हैं कि क्या करना है, इनके अंडर ही सारी प्रोसेस होती है। अंदर के नीचे वाली कटोरी ऊपर आ गई ना, तो जल्दी करवा लेना, ये चलेगा ना जितना रफ करेगा उतना ऑयल आएगा ऊपर, ऑयल आएगा तो क्या है कि रस्ट बैठेगा, रस्ट बैठेगा तो खत्म हो जाएगा इसका, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ये ऑयल प्रोटेक्टर है ना इसका, ठीक है आप करवा दीजिए इसको। डिस्क चेंज करने लायक हो गई है। हो गया, हाँ, इसकी थिकनेस होती है 22.5 mm के आसपास, मोटाई इनकी 22.5 mm। अभी ये इसकी थिकनेस रहेगी कितनी, 16 mm, और 20 के बाद कंपनी कहती है इसको चेंज कर दो।
क्योंकि घिसने से ये दरारें ये पड़ जाती है ना, ये घिसा तो ये दरारें पड़ गई, ये निकलना शुरू हो गया। हाँ साइड का ऊपर वीक हो गया, ये टैडी बाहर के है। अब जब आप ये करेंगे ना, ये रोटर चेंज करेंगे, ब्रेक रोटर चेंज करेंगे तो ये पैड भी चेंज होंगे। हाँ ये पैड भी ये नए डालने पड़ेंगे क्योंकि इसमें लोहा ज्यादा है। मैं समझ गया, ये इसको फिर खराब कर देगा, खराब नहीं लगा, पूरा ही चेंज होगा, पूरा ही चेंज होगा। वो कलर चेंज करा लीजिए, 11-12 के आसपास पड़ेगा, 11-12। ठीक, अभी सॉकेट में थोड़ा इशू आ गया, सॉकेट पूरा खराब हो गया तो हम चेंज करा रहे हैं। मेरा एक सॉकेट खराब हो चुका है, लुक ये अभी अभी लेकर आ रखे नया सॉकर, न्यू ब्रांड न्यू, ये आपका पड़ा 4000 समथिंग का। हे भगवान, आज मैं कैशलेस होने वाला हूँ। चार जने मेरी गाड़ी पे लगे हुए हैं, 5 जने, सॉरी। क्या निशान सभी के लिए ऐसा करती है? अब ये मैं नहीं कह सकता, बट मेरे लिए तो हो रखा है। 5 जने मेरी गाड़ी को चेक कर रहे हैं हर तरीके से। देखिए बिल तो बना ही है क्योंकि मेरा सॉकर खराब हो गया था। 1 मिनट, क्या हुआ भैया? इसकी लाइट खराब हो रखी है। हाँ ये कर दीजिएगा प्लीज। हाँ चेंज करना है इसको। मेरे अभी माइंड में आया, मुझे क्या कहते हैं, मैंने देख लिया था, अगर यहाँ भाई तो पूरा जन्नत जगह हो के जाएगी। हाँ वही। आई लव द सर्विस ऑफ निसान। वही से कब चलते? बैटरी वोल्टेज वगैरह, अगर बैटरी खराब होती है तो इसके आ जाते हैं। तो बैटरी कैसी है अभी लाइफ? अभी कैसी है बैटरी लाइफ? सही है, ठीक है। इसमें बल्ब भी खराब हो रहा था तो बल्ब को भी इंस्पेक्शन में डाला और नया बल्ब लगा रखा है। ये बल्ब था जो खराब हो चुका है, उसके बदले रिप्लेस कर दिया है। भैया थोड़ा सा शैम्पू डालते हैं। गाड़ी में हवा फिल अप कर रहे हैं। भैया कैसा लग रहा है चला के? सही चल रही है, ठीक चल रही है ना? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी आपका पूरा सेट कर दिया, टाइमिंग आ रही है इधर इधर, मतलब टाइमिंग गलत हो रही थी। हाँ टाइमिंग गलत हो रही थी, अभी हो गया, उधर भी सेट कर दिया। बाकी ठीक, आपका हीटर भी ओके है अभी। अब भैया कह रहे इस बार तो बर्फ में जाओगे घूमने ऊपर को। मैंने कहा बर्फ में तो नहीं जाऊंगा, पिछली बार ले गया था गाड़ी, चिदड़े उड़ने लग गए थे गाड़ी के टायर के, बर्फ काट रही थी टायर को। सीनियर सर यहाँ पे गाड़ी के इंस्पेक्शन के लिए ले जा रहे हैं ताकि गाड़ी से कोई भी साउंड जो कंप्लेंस थी वो तो नहीं आ रही करके। इंस्पेक्शन हो चुका है, बस ब्रेसिंग बची है, थोड़ा सा साउंड आ रही है गाड़ी में हल्की फुल्की, उसको ठीक कराने के ब्रेसिंग करवा रहे हैं। एंड गाड़ी ऑल द ओके हो गई है, लास्ट का अलाइनमेंट कराने के बाद फाइनल अमाउंट अमाउंट पे करते हैं, देन हम भी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं बिल कितना आ रखा है। देखिए काम था नहीं लेकिन काम पड़ गया, उसमें चीज़ें नहीं ऐड ऑन करी तब उसकी वजह से रिप्लेस करी, तो नया ही सामान खरीदना पड़ा। जैसे आपका 700 का आपका बल्ब हो गया, 4000 का आपका सॉकर हो गया, तो आप ये मान के चलिए 1-2-3 चीज़ें तो आपकी ऐसी होगी 5000 समथिंग की, उसके ऊपर से लेबर चार्ज और समथिंग ऑल मान के चलिए सर्विस के ही बराबर पड़ गया। तो फाइनल में अलाइनमेंट करवाने के लिए हम गाड़ी ला रखे हैं यहाँ पर से। आपके जो फ्रंट टायर्स होते हैं उनका अलाइनमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके टायर वेयर ऑफ हो सकते हैं, मतलब आपके टायर फट सकते हैं, तो अलाइनमेंट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी सॉकर चेंज हुआ है तो मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सके, हो जाता है टायर। मैं अराउंड 9:30 में यहाँ पर पहुँचा था और मुझे यहाँ टाइम हो गया अभी 12:30, मैं यहाँ ऑलरेडी 12:30 बन चुका है। तो हमेशा सर गाड़ी को अभी दिखाना हो ना तो आपको टाइम लेकर ही आइए, तभी आपका फ़ायदा रहेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा।
अब गाड़ी वॉश के लिए गई है तो वॉश में हाफ एन आवर लगेगा शायद, टाइम लग। जो बिल काटा है वो वैलिड रीजंस के, पहला तो सॉकर था जो 4000 का पड़ा अराउंड। फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और जो बजट बना मेरा 7144। देखिए अब ज़्यादा है मुझे पता है, लेकिन ये कोई क्या कहते हैं इसको, सर्विस चार्ज नहीं है, ये मेरी गाड़ी का खुद का फॉल्ट था जिसमें आपका 4000 समथिंग का आपका शॉकर आया और 920 समथिंग लेबर चार्ज लगी उस शॉकर को लगाने में, प्लस आपका 720 का बल्ब था, एक छोटा सा बल्ब आ रखा था, एंड देन एक रबर होता है रबर ट्यूब उसके लिए चार्ज कटा, तो ऑलरेडी ये मेरे ही थे, मुझे आज नहीं तो कल करवाना ही था, उसकी वजह से इतना बिल बन गया। तो नहीं तो ऑलमोस्ट आपकी फ्री करा मेरा आपका वॉश, कार वॉश अंदर से बाहर से फ्री वॉश था, एंड दूसरा आपका व्हील अलाइनमेंट जो उसकी कॉस्ट होती है 700 समथिंग वो फ्री था, तो उनने भी हेल्प करा एक तरीके से, सो आई गिवन देम 5 स्टार। अब ये नहीं है करके मेरी गाड़ी निशान है तो मैंने उसको दिया, अगर कोई सर्विस देगा और तमीज़ से बात करेगा और प्यार से सब कुछ सुन के और हेल्प करेगा तो उसके लिए 5 स्टार देना बनता है, ठीक है। तो मेरी गाड़ी वॉश हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस इनसाइड बचा हुआ है, तो ब्रेक टाइम चल गया उनका, तो 10-20 मिनट्स उनका ब्रेक टाइम है लंच आवर्स, उसके बाद फिर गाड़ी साफ़ करने के बाद हम निकल जाएंगे अपने घर को। आज का दिन मॉर्निंग 9:30 से मैंने दिन डिसाइड किया था कि आज ही सब करवाऊँगा, तो कुछ था नहीं करने के लिए। मेरी गाड़ी ये, इट्स रेडी नाउ। हे भगवान, नज़र ना लगे, नहीं जैसी लग रही है। फाइनली मेरी गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट, गाड़ी बहुत ही सही बन गई यार, बिल्कुल नई जैसी लग रही है, मस्त बिल्कुल। आई लव माई कार बिल्कुल, शायद आप ना देख पाओ लेकिन मेरी गाड़ी बहुत ही नई जैसी लग रही है बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, गाड़ी साफ सुथरी गाड़ी। ओके लेट्स गो बैक टू होम, अभी जाने का टाइम आ चुका है एंड आई एम लीविंग। ओके बाय बाय, सी या।